तो गाइस इस वीडियो में हम सीएसएस के टेक्स्ट इफेक्ट्स को देखेंगे। सीएसएस के टेक्स्ट इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास फोर प्रॉपर्टीज आती हैं। एक होती है हमारे पास टेक्स्ट ओवरफ्लो, दूसरी होती है वर्ड रैप, तीसरी होती है वर्ड ब्रेक, और जो लास्ट होती है वो होती है राइटिंग मोड। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब ये जो वेब पेज आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंदर मैंने ये जो हेडिंग है इसको थोड़ा लॉन्ग वर्ड मैंने बना दिया है। ये मैंने क्यों बनाया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं एक बार आपको इसका कोड दिखाता हूँ। ये देखो सिंपल मैंने ऐसा कोड किया है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो ये देखो, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे विड्थ मैंने 80% कर दिया है, मार्जिन ऑटो कर दिया है, टॉप से मैंने मार्जिन 100 पिक्सल कर दिया है, और बॉर्डर मैंने 4 पिक्सल कर दिया है, फॉन्ट साइज मैंने 22 पिक्सल कर दिया है। सेम वैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग वन में किया है, विड्थ सेट कर दी, बॉर्डर सेट कर दिया, हाइट सेट कर दी, मार्जिन ऑटो कर दिया, टॉप से मैंने 40 पिक्सल कर दिया। मैं एक बार यहाँ पर इसकी जो विड्थ है ना वो मैं कम कर देता हूँ, सॉरी इसका जो मार्जिन है ना टॉप से मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब ये ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट्स के अंदर सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे वो है टेक्स्ट ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब आपको पता चल गया होगा कि टेक्स्ट जब ओवरफ्लो होगा वहां पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जी हाँ, मैं एक बार आपको इसको पहले ओवरफ्लो करता हूँ, फिर मैं आपको टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का जरूर बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको ओवरफ्लो करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमने टेक्स्ट को ओवरफ्लो करना है यानी कि विड्थ से बाहर टेक्स्ट को लेकर जाना है तो हमको यहाँ पर नो रैप का यूज करना पड़ेगा, यानी कि व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू नो रैप लगानी होगी। व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है, नो रैप क्यों लगाते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी का यूज नहीं देखा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, वाइट स्पेस, और इसको मैं कर देता हूं नो रैप। पहले ये रैप था, अब ये नो रैप हो गया। अब ये सभी टेक्स्ट एक लाइन में आ जाएगा, ये देखो जितना भी टेक्स्ट होगा वो ये देखो एक लाइन में आएगा, ये जो पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम यहाँ पर ओवरफ्लो करेंगे, पहले तो ये ओवरफ्लो हो रहा है, ये देखो। अब इसके अंदर हम एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे ओवरफ्लो, मैं यहाँ पर ओवरफ्लो कर देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, मैं व्हाइट स्पेस को नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, और मैं यहाँ पर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ हिडन, यानी कि जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है वो हिडन हो जाए। अब देखना, तो ये देखो इतना टेक्स्ट है, बाकी टेक्स्ट ओवरफ्लो हिडन हो गया। तो अब हम यहाँ पर टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक तो होती है क्लिप, अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट ओवरफ्लो कर दूं तो इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो होती है क्लिप, तो कुछ भी नहीं होगा। तो क्लिप तो है ये है ही, ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये देखो हाफ हमको वर्ड दिख रहा है, जब हमको हाफ ना दिखे पता चले कि इसके आगे भी टेक्स्ट है, उसके लिए हम यहाँ पर एक और वैल्यू लगाएंगे ओवरफ्लो की, उसको हम बोलते हैं इलिप्सिस। इलिप्सिस का यूज किया, अब देखना, अब ये देखो, अब यहाँ पर 3 डॉट्स आ गए। तो बस यही काम होता है टेक्स्ट ओवरफ्लो का। टेक्स्ट ओवरफ्लो को अगर आप इलिप्सिस कर देंगे तो यहाँ पर 3 डॉट्स आ जाएंगे, ये देखो, तो पता चलेगा कि इसके आगे और भी टेक्स्ट है। तो बस इतना काम होता है टेक्स्ट ओवरफ्लो का। दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है क्लिप जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, दूसरी होती है इलिप्सिस। टेक्स्ट इफेक्ट्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्ड रैप। तो वर्ड रैप का क्या होता है, जैसे अब ये देखो, ये जो हेडिंग है, हेडिंग में सिर्फ एक वर्ड है और ये जो वर्ड है जो विड्थ से ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये वर्ड विड्थ से बाहर को आ रहा है। तो अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं, विड्थ से बाहर वर्ड को नहीं लगाना चाहते, तब आप वर्ड रैप का यूज करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर वर्ड रैप लगा दूं हेडिंग में, वर्ड रैप, ठीक है, तो इसके अंदर भी दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है नॉर्मल और एक होती है ब्रेक वर्ड। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो तो नॉर्मल होती है, बट दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है ब्रेक वर्ड। तो अब जो वर्ड होगा जब भी उसको एंड मिल जाएगा, एंड के बाद जो बाकी का टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ये देखना। ये देखो इस वर्ड का जो एंड था वो जहां तक था और जो नेक्स्ट टेक्स्ट था वो नीचे लाइन में आ गया। हाइट थोड़ी सी बढ़ा दो आप, यहां पर 200 पिक्सल कर देता हूं मैं। तो अब ये देखो, ठीक है, तो ये यूज होता है वर्ड रैप का, जहां पर जो वर्ड है उसको एंड मिल जाएगा, उसके बाद का जो टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, इसलिए हम वर्ड रैप का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टी आती है, वो होती है वर्ड ब्रेक। तो वर्ड ब्रेक को भी देख लेते हैं। तो मैं चलता हूं यहां पर, अब मैं यहां पर मैंने वाइड स्पेस का यूज किया था, वाइड स्पेस को हम खत्म कर देते हैं, ठीक है।
ओवर फ्लो को भी मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ, सेव किया। तो अब हम यहाँ पर टेक्स्ट ओवर फ्लो को भी खत्म कर देते हैं, ये हमने देख लिया है। और यहाँ पर वर्ड रैप भी हमने नहीं देखना, चलो अब रहने देते हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं नीचे, ये देखो इसको खत्म कर देते हैं ना, अब इसकी जरूरत नहीं है हमको हेडिंग की। बस मैंने आपको वर्ड रैप के बारे में बताना था, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि वर्ड रैप आपको पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पर इसको भी रहने देते हैं, सिर्फ पैराग्राफ को देखते हैं। तो अब जैसे आप ये देखो, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर ये देखो कितने स्पेस है। ये स्पेस क्यों है? क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये पूरा वर्ड इस स्पेस से कम है। इस स्पेस के अंदर ये पूरा वर्ड नहीं आ सकता था। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट एक एलिमेंट के अंदर जितनी विड्थ होती है उसके अंदर जितने वर्ड कंप्लीट आ सकते हैं उतने वर्ड आते हैं। जो वर्ड कंप्लीट नहीं आ सकते वो नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, ठीक है? बट अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा वर्ड ब्रेक ना हो, हाफ वर्ड ब्रेक हो जाए, मतलब कि जितना वर्ड आ सकता है उतना वर्ड आए और जो बाकी का वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो उसके लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे? हम यहां पर लगाएंगे वर्ड ब्रेक, ठीक है? वर्ड ब्रेक मैंने यहां पर लगा दिया। वर्ड ब्रेक के अंदर भी दो वैल्यूज होती हैं, कीप होल तो बाय डिफॉल्ट थी, ये देखो कीप होल कर देंगे तो ये कीप होल तो है ही, ये देखो कुछ भी नहीं होगा। बट अगर मैं यहां पर कीप आल की जगह में यहां पर कीप होल की जगह में यहां पर ब्रेक कर दूं, ब्रेक सेव करो, अब देखना। तो अब ये देखो, तो ऐसे हम वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ये देखो अगर मैं यहां पर फिर से कीप होल कर दूंगा और फिर से यहां पर जितने वर्ड आ सकते हैं एक एलिमेंट के अंदर उतने आएंगे, बाकी के वर्ड नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो जाते हैं। बट यहां पर ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहां पर ब्रेक कर दूंगा तो क्या होगा, पूरा वर्ड आएगा, जितना भी टेक्स्ट है वो पूरा आएगा, बाकी का जो वर्ड हाफ रह जाएगा वो नेक्स्ट में आ जाएगा। ये वर्ड को नहीं देखता, ये टेक्स्ट को देखता है कि एक लाइन में कितना टेक्स्ट आता है, एक लाइन में इतना टेक्स्ट आता है, बाकी टेक्स्ट ब्रेक होकर नीचे आ जाता है, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, कीप ऑल करेंगे या अगर कुछ भी ना करेंगे तो नॉर्मली वो वर्ड को देखेगा, जितने वर्ड आ सकते हैं एक एलिमेंट में उतने वर्ड आएंगे, बाकी के वर्ड नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बट ब्रेक में जितना टेक्स्ट आता है एक विड्थ में उतना टेक्स्ट आएगा, बाकी का टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जाएगा। तो ये था हमारे पास वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी का यूज। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इफेक्ट्स की, वो है राइटिंग मोड। चलो अब हम यहां पर राइटिंग मोड प्रॉपर्टी का भी यूज देख लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर, चलो इसको हम रहने देते हैं वर्ड ब्रेक को, अगर मैं यहाँ पर लगा दूं राइटिंग मोड, तो राइटिंग मोड के अंदर हमारे पास पांच वैल्यूज होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल टीबी, टीबी मतलब टॉप बॉटम। अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टीबी कर दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो सेट है ही, ठीक है? टॉप आ रहा है, टॉप पहले ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखो टॉप से बॉटम तक जा रही है वैल्यूज, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ पर वर्टिकली करूंगा, वर्टिकली राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा, सबसे पहला जो लाइन है वो राइट को आएगी, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन आ जाएंगी। तो राइट को स्टार्ट होगा ये वर्टिकली, ठीक है? ये देखो ये टेक्स्ट जो है वो राइट को स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ये राइट को आ गई, जो सेकंड है वो यहां पर आ गई। तो अब इसके बाद हम अगर यहां पर एल आर कर देंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट, अब जो सबसे पहली लाइन है वो लेफ्ट से स्टार्ट होगी, ठीक है? वर्टिकली लेफ्ट से स्टार्ट होगी। तो ये देखना, अब ये वर्टिकली लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, पहले वर्टिकली राइट से स्टार्ट हो रही थी, अब ये वर्टिकली लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, ये देखो, ठीक है? तो ये थी वर्टिकली लेफ्ट और वर्टिकली राइट का यूज। इसके बाद दो और वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज क्रोम पर वर्क नहीं करती, ये सिर्फ फायरफॉक्स पर ही वर्क करती हैं। जैसे अब मैं यहां पर अगर नेक्स्ट वैल्यू लगा दूं साइड बेस लेफ्ट राइट, अब देखना, तो ये देखो अब यहां से स्टार्ट हो रही है, देखो ये साइड में लेफ्ट आ गई और यहां पर ये ऐसे जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है? उस साइड में अगर आपने देखना है तो अब ये देखना, आप यहां पर आर एल कर देंगे, अब ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, ये देखो, ये देखो उस साइड में राइट टू लेफ्ट सेट हो जाएगी, इस साइड में लेफ्ट टू राइट, उस साइड में राइट टू लेफ्ट। तो अगर मैं इसको क्रोम में दिखाऊं तो वहां पर ये वर्क नहीं करेगी। मैं दिखाता हूं, अगर मैं यहां पर ओपन कर लूं तो ये देखो यहां पर वर्क नहीं करेगी, यहां पर वर्टिकली वर्क करेगी, ये देखो इसको कट करते हैं, वर्टिकल लेफ्ट टू राइट, तो अब ये वर्क करेगा, ये देखो। राइट मोड के अंदर वर्टिकली लेफ्ट राइट और वर्टिकली राइट लेफ्ट ही वर्क करती है, जहां फिर बाय डिफॉल्ट जो होती है हॉरिजॉन्टल टीबी मतलब टॉप बॉटम ही वर्क करती है, और वैल्यूज वर्क नहीं करती, जैसे साइड वाइज लेफ्ट राइट और साइड वाइज राइट लेफ्ट, यहां पर क्रोम में वर्क नहीं करेंगी। मेरा काम होता है यहां पर खत्म, तो अब बारी है आपकी, जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
उम्मीद करता हूं कि अब आपको टेक्स्ट इफेक्ट्स की इन प्रॉपर्टी का जरूर पता चल गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कंप्लीट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।